चीफ सेक्रेटरी साहब जी एंडके में आए हैं, आप देखिए हर डिपार्टमेंट में जाके देखिए कि कैसा काम हो रहा है। तो चीफ सेक्रेटरी साहब के पास हम गए, हमने अपने दिल की बात रखी है उनके सामने, लेकिन चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमारी बात को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दिया। मैं आज आपके सामने एक नॉर्मल पर्सन होके बोल रहा हूँ, कश्मीर की भी बात करूँगा मैं। हमें पूरी दुनिया में बदनाम किया जाता है, किस लिए? कि कश्मीर के लड़के पत्थरबाजी करते हैं। आज कश्मीर का लड़का अपने बाप का हक मांग रहा है, लेकिन हमें अपना हक नहीं मिल रहा, तो क्या हम पत्थरबाजी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, ये चीफ सेक्रेटरी साहब ने खुद अपने हाथों से ये ऑर्डर किया है, फिर हमारे ऑर्डर क्यों नहीं हो रहे? 48 ऑर्डर हमारे अब तक हो चुके हैं, जब तक बीजेपी और पीडीपी का अलायंस था। जब से गवर्नर रूल आया है हमारी कोई, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ कि हमें चीफ सेक्रेटरी साहब कोई भी जवाब नहीं दे रहे इस बारे में। SRO 43-376 के बारे में चीफ सेक्रेटरी साहब कोई बात ही नहीं कर रहे, ना किसी मिनिस्टर को जवाब दे रहे, ना गवर्नर साहब को जवाब दे रहे, और ना हमको जवाब दे रहे। हम चाहते हैं कि आप मीडिया पर्सन्स उनको जाके पूछो, कम से कम आपको शायद जवाब दे दें, क्योंकि हिंदुस्तान में जो मीडिया पावर है वो सबसे ज़्यादा है, मीडिया पावर को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। तो मैं ये बात बोलता हूँ कि हमें अभी तक अपनी बात का जवाब नहीं मिला, शायद आप मीडिया वाले जाके चीफ सेक्रेटरी साहब से पूछें, वो आपको बता दें कि हमारा काम क्यों नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो ठीक है, हमें भी कोई शौक नहीं है पुलिस की नौकरी करने का, लेकिन जो आपने 48 ऑर्डर किए हैं उनको बाहर निकालो, और जो कंपनसेशन अपॉइंटमेंट आज तक SRO 43 की हुई है उन लोगों को भी बाहर निकालो। मैं देखता हूँ कि इस J&K में कितने मुलाजम कंपनसेशन अपॉइंटमेंट के अभी तक बैठे हुए हैं, और मैं ये खाली हो जाएगा सभी डिपार्टमेंट अगर कंपनसेशन अपॉइंटमेंट अगर आप बाहर निकाल दोगे। तो हम ये रिक्वेस्ट, अब ये हम रिक्वेस्ट कर करके थक गए हैं, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं चीफ सेक्रेटरी साहब को। ये हमारे घर में अगर आप एक तरफ ईमानदारी की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ किसी के चूल्हे में पानी डाल रहे हो, किसी के घर के रोजी रोटी बंद कर रहे हो, अगर हम में से किसी की माँ को कुछ हो गया ना, यहाँ पे हमारे 70-80 लड़के अभी हैं जो पेंडिंग केस पड़े हुए हैं हमारे, हम में से किसी की माँ को कुछ हो गया तो उसकी जवाबदारी कौन देगा? कौन देगा उसकी जवाबदारी? कोर्ट केस को आप मान नहीं रहे, किसी लीडर की आप बात सुन नहीं रहे, गवर्नर साहब की आप बात नहीं सुन रहे, अपने आप खुद ही ये केस करके आपको ये नहीं पता कि मैंने ये केस किया हुआ, तो सर हम किसके पास जाएं और किससे बात करें? आप जाके हम तभी मीडिया के पास आए हैं, शायद आप किसी हमारी बात का जवाब नहीं दे रहे, किसी मिनिस्टर्स की बात का जवाब नहीं दे रहे, गवर्नर साहब की बात का जवाब नहीं दे रहे, शायद आप मीडिया पर्सन को अपनी बात बताएंगे। तो मैं इसी के लिए यही कहना चाहता हूँ कि आप मीडिया पर्सन से मेरे हाथ जोड़ के विनती है, आप चीफ सेक्रेटरी साहब के पास जाओ, चीफ सेक्रेटरी साहब से कम ये तो पूछो कि आप इनके केस क्यों नहीं कर रहे तो रिजेक्ट करो, हम कोर्ट केस करेंगे आपके खिलाफ, हम कोर्ट केस में जाएंगे, क्योंकि हमारा कोर्ट केस, आपने 48 ऑर्डर किए हुए हैं, एक गवर्नमेंट J&K में अगर गवर्नमेंट आई है उसने 40 ऑर्डर किए हुए हैं, तो फिर आप क्यों किसी गवर्नमेंट को ऐसे कर रहे हो कि अपनी ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हो? यहाँ पे इस वक्त जो चल रहा है ये ब्यूरोक्रेट्स है, ये हमारे घर वालों के साथ, हमारे परिवारों के साथ एक नाइंसाफी है। अगर हम में से किसी के साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाता है, या किसी की माँ, जब भी जितने भी यहाँ पे लड़के बैठे हुए हैं सबकी मदर को प्रॉब्लम है, किसी को बीपी की टेंशन है, किसी को हार्ट की टेंशन है, अगर हमारी माँ में से किसी को कुछ हो गया तो हम किसको किससे पूछेंगे जाके? हमें बताओ हम किससे जाके पूछेंगे? गवर्नर साहब से कंपनसेशन तब हमें नौकरी मिलेगी, उसका क्या फायदा? हमें हमारी माँ पाल रही हैं, उनकी पेंशन पे हम डिपेंड हैं, हमें हमारे बाप का हक नहीं मिल रहा, हम किससे जाके पूछे? आप बोलिए, तभी हमने मीडिया को अप्रोच किया, प्लीज हमारी बात कम से कम चीफ सेक्रेटरी साहब से जाके पूछो कि वो हमारे 376 अमेंडमेंट हुई है, जो
महबूबा मुफ्ती सीएम थे उस वक्त, उन्होंने की है, उनकी बात में, उनकी बात का कुछ आदर मान रखिए और जो हमारे केस हैं हमारे केस को हल कीजिए। थैंक यू।